अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तमाम शुक्र है अल्लाह का। माँ आपको पता है आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने पहली मरतबा कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई ग्रुप लेकर आ रहा है जिसमें पहली बात तो किसी ग्रुप में ना माजी हैं और ना कोई ग्रुप ऐसे भूले बिसरे खानों के ऊपर बात करता है। तो पाकिस्तान से यूएस तक जो है वो स्पेशल है इस मामले में कि हमारे पास माजी भी है और माजी से माजी के खानों के खजानों में से हम हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि लोग भूल चुके हैं, मगर आप उनको अपने बेहतरीन खानों के खजानों की दुकान में से एक रेसिपी निकालेंगी हर हफ्ते। हफ्ते में से कोई भी दिन हो सकता है, मुझे पता है आप की अपनी मसरूफियात होती हैं, मगर उनमें से कोई भी एक दिन आप इंशाल्लाह बेहतरीन सी अपनी एक रेसिपी से हमसे शेयर करिएगा और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आज आप हमसे क्या बात करने वाली हैं। तो अम्मी बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ तो बच्चियों, मैं आज इस खाने का जिक्र करूँगी वो टिपिकल दिल्ली का खाना है और ये खाना अमूमन बकरीद में बनता है। वैसे तो खैर आम दिनों में ही बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आम दिनों में नहीं बन सकता, लेकिन अमूमन ये बकरीद में बनता है। तो इसका नाम है शोला। तो शोला वाकई शोला है। इसमें वो लोग जो पसंद करते हैं हलीम या खिचड़ा तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको देखकर, इसको सुनकर। और लेकिन ये कि जो लोग ये पसंद नहीं करते उनके लिए तो थोड़ा मसला होगा। और ये मेरी बहुत फरमाइश मेरी क्या कहते हैं मेरी घर की बच्चियों ने मुझसे की कि सबसे पहला खाना आप यही बताएं, वरना खाने मेरे पास बहुत सारे हैं, खजाना भरा हुआ है मेरा। तो बच्चे ये होता है कि जब बकरीद में हम गोश्त होता है तो लोग बनाते हैं और फिर वो खाते नहीं और फिर वो रख देते हैं फ्रिज में, फिर वो दूसरा सालन बना लेते हैं, फिर उठाते हैं फिर रख देते हैं और फिर वह तीसरा, इस तरह बढ़ता 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 फ्रिज पूरा भर जाता है लेकिन सालन है कि ख़त्म होने को नहीं आते। अब इसकी ये उसके लिए ये तरकीब ये है कि सालन जो भी है आपके रखे हुए जितने भी, वो एक बड़े पतीले में डाल दीजिए आप, और अगर कोई सब्जी के साथ भी सालन बना है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी डाल दीजिए पतीले में, वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद आप आपके लिए डिपेंड करता है कि आपका कितना खाना बन रहा है। अगर ऐसा दो एक किलो है तो आप एक गड्ढी पालक की बहुत बारीक बारीक काटेंगी और उसमें डाल देंगी। इसी तरह हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक काटेंगी, डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करती हैं, वो भी बारीक बारीक काट के उसमें डाल देंगी। और सालन में तो चूंकि मिर्चें हैं नमक भी है, लेकिन इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ती है, तो जब हल्दी हमें डालना पड़ेगी ऊपर से। और अगर दाल रखी है तो ठीक है, और अगर बकरीद में तो कोई भी दाल नहीं पकाता, तो अगर दाल नहीं है तो फिर आप चने की दाल उसमें डाल देंगी एक मुट्ठी, और अगर चावल उबले रखे हैं फ्रिज में तो फिर वही डाल दीजिए, वरना एक फिर थोड़े से चावल उबाल के वो डालना होंगे। तो इसके लिए है कि रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर उमन घरों में चावल बहुत सारे बॉयल कर लिए जाते हैं और फिर उनको रख दिया जाता है कि फिर कर लेंगे, तो वो अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है कि तुम वो डाल दो, लेकिन अगर नहीं है तो उबालना पड़ेगा, और अगर दाल नहीं है तो चने की दाल पड़ेगी। अब जनाब साहब आपने इसको लिया और चढ़ा दिया चूल्हे पर हल्दी के साथ, हरी मिर्चों के साथ, पालक के साथ, चावलों के साथ, सारे सालन जो रखे थे उन सब के साथ। ये तकरीबन 2-3 घंटे पकेगा और ये इसका रंग भी थोड़ा सा मतलब हरा सा हो जाएगा, लाइट तेज नहीं, पालक इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन रंग जो है वो पीला नहीं होगा, हल्का हरा पीले से मिलता हुआ होगा। अब जब बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा, बिल्कुल घुट जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हलीम पका हुआ हो, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। और इसके साथ वो सारी तैयारी होगी जो एक हलीम के साथ होती हैं, यानी लींबू, अदरक का बारीक बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, और अब अल्लाह आपका भला करे हरा धनिया, पुदीना, ये सब होगा। उसी तरह प्लेट में रखेंगे और चाट मसाला भी, चाट मसाला अगर किसकी ज़रूरत पड़ी तो डालिए, वरना तो इस पर भी काफ़ी चीज़ें होंगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ये वो होता है, उमन तो ये उन दिनों में बन जाता है जब घर में पकाने का मूड नहीं हो रहा है और जो भी सालन बचे हुए रखे वो डाल दिए। तो लेकिन बकरीद में चूंकि ये सिलसिला ज़्यादा होता है कि गोश्त रोज़ाना ही पकता है और फिर वो बचता है, तो इसलिए इसके लिए बेहतरीन है ये डिश। और पकाइएगा और बताइएगा ये कैसा रहा मेरा मशवरा, मेरा पुराने ज़माने का खाना जो बचत भी करता है और आप लोगों को मतलब हर तरह का मुकम्मल तौर पर विटामिन भी मिल जाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करती रहूँगी, मेरे पास बहुत खजाना चुके हैं, मैं कोशिश करती रहूँगी कि हर हफ्ते आऊँ और आपसे अपना खाना शेयर करूँ। ठीक है बेटा, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। अल्लाह हाफिज़।
अब सारा खान नजर नहीं आ रही। दोनों जगह में हाँ सारा डन हो गया। इसकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं आपको बताती हूँ एक मिनट, जय कुछ सवालात हैं, कोई हाय है, कुछ तो लोगों ने बातें की हैं और थोड़ा सा हमारे पास इंटरनेट का इशू भी आया था, तो मुझे ये चेक करना है कि स्ट्रीमिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, तो आप दो मिनट के लिए मुझे ज़रा वक्त दीजिएगा प्लीज़। ठीक है ठीक है। अम्मी आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी रेसिपी को एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यू आया था और 5 मिनट लगेंगे, आप जरा थोड़ा सा एक क्विक रीकैप दे दें, व्यूअर्स हैं जो है वो नहीं देख पाए हैं और कुछ स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप क्या दोबारा से एक बार रीकैप दे सकती हैं जल्दी से कि तो आप कहाँ से शुरू करूँ मैं, कहाँ से? जैसे आपने बताया कि पुराने सालनों को लेकर आप पालक वगैरह से लेती हैं, तो वहाँ से प्लीज़ बता दीजिए। अच्छा तो फिर मैं, अच्छा तो मैं ये बता रही थी बच्चों आपको कि वो खाने जो बकरीद में बनते हैं वो मोस्टली यही होता है कि गोश्त पका और नहीं खाया गया, रख दिया गया, और कुछ चीज़ पकी रख दी गई, इसी तरह बहुत सारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और चावल भी बनते हैं वो भी रखे होते हैं, और कभी कभी कोई पुरानी दाल भी रखी होती है वो भी मतलब पकी होती वो भी रखी होती है। तो आपने ये करना है बच्चों के, ये आपने एक पतीले में डालने हैं ये और ये आप पे मुनसर है कि आप कितना बना रहे हैं। तो अगर आपके पास तकरीबन 2 किलो है तो आप एक गड्ढी पालक को बारीक बारीक काटेंगी और वो भी उस गोश्त में डाल देंगी, और उसके बाद आप अगर दाल है तो ठीक है, और दाल नहीं बेटा तो कोई बात नहीं, चने की थोड़ी सी दाल तकरीबन 1 पाव दाल आप वो उसमें डाल देंगी, और उबले हुए चावल, अगर पुलाव बचा है तो कोई बात नहीं पुलाव पड़ जाएगा, अगर उबले हुए चावल है तो उबले हुए चावल, मतलब कुछ भी है जो भी है सब आपने डाल देना है, ये बस सोचे बगैर कि ये सब्जी है या गोश्त है ये क्या है। फिर आपने उसको बेटे पानी डाल करके और इसको पतीले को रख देना तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे तक। और हाँ एक बात बताना भूल गई, बाकी मिर्चें और नमक तो आपके सारे सालों में था, लेकिन एक चीज से कमी थी वो इसमें बहुत जरूरी होती है, वो है हल्दी। तो हल्दी थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे आप, उसको चढ़ा देंगे, और जब 2 घंटे तक ये पक जाएगा और खूब घुट जाएगा तो आपको थोड़ा सा हाथ से भी घुटना पड़ेगा, पर अगर खुद ही घुट गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि बोटियाँ थोड़ी सख्त होती हैं थोड़ा हाथ से घुट लीजिए, घुटने के बाद उसको उतार लीजिए, और इसके साथ वो सारी सजावट जो आप हलीम के साथ करती हैं या निहारी के साथ करती हैं, मसलन लीमू अदरक बारीक बारीक कटी हुई, पुदीना हरा धनिया हरी मिर्चें और चाट मसाला, अब आपने ये सब कुछ अपनी प्लेट में डाला, बनाया, खाया और फिर मुझे बताया कि कैसा रहा सब कुछ, कैसा बना, और आप क्या खुश हैं मेरे इस खाने से। ठीक है, जज़ाकअल्लाह माजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 2 दफ़ा रेसिपी रिपीट की, मुझे पता है, मुझे समझ में नहीं आया कि शायद कुछ इंटरनेट का इश्यू हुआ, टेक्नोलॉजी आपको पता है ऐसी ही होती है, बट आपने जो भी तरकीब बताई वो डेफिनेटली हमारे जो ग्रुप मेम्बर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगी, और मुझे यकीन है ये सब लोग शोला जो है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये थी माजी के खाने के ख़जाने में से एक रेसिपी, और बहुत सारी फहरिस्त है जो लिस्ट है जो अम्मी ने तैयार करके रखी है, जो आपसे हर हफ्ते वो एक रेसिपी शेयर करेंगी, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और डेफिनेटली ये रेसिपी जो अम्मी ने आज बताई है माजी ने आपको, वो ऐसी है जो बहुत ही रीजनेबल रेट पे, चूँकि आप पुराने ही खानों को लेकर नए तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, तो वो यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है। तो जज़ाकअल्लाह माँ, मुझे पता है आपकी नमाज का और आपकी इबादत का टाइम है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम फिर आपसे अगले हफ्ते कोई एक रेसिपी सीखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे सही है।